हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे 21 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। नेम द विनर ऑफ द 2020 फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो यहां पर आपको विजेता का नाम बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है लेविस हैमिल्टन, दूसरा है वाल्टेरी बोटास, तीसरा है सेबेशियन विट्टल और आखिरी है मैक्स वर्स्टैपन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लेविस हैमिल्टन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीती है 19 जुलाई 2020 को और ये इस सीजन की उनकी दूसरी जीत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। द ई पोर्टल एस्पायर हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी फॉर द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो यहां पर आपको बताना है ई पोर्टल एस्पायर को भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, तीसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका मतलब है भेल, और आखिरी है HMT लिमिटेड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो ई पोर्टल है जिसका नाम है एस्पायर, इसको मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। और यहां पर जो एस्पायर है इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। नेल्सन मंडेला पुरस्कार हर 5 साल बाद किस संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन या फिर कॉमनवेल्थ, और आखिरी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो नेल्सन मंडेला प्राइज है ये उन सभी लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी मानवता को समर्पण कर रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। Who became the first cricketer to violate ICC saliva ban rule? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है क्रिस वोक्स, दूसरा है जोफ्रा आर्चर, तीसरा है स्टुअर्ट ब्रॉड और लास्ट है डॉम सिबले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉम सिबले। डॉम सिबले खेलते हैं इंग्लैंड के लिए और उन्होंने मैच के दौरान गलती से बॉल पर अपना सलाइवा लगा दिया था। और यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि सिप्ले बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर, यानी कि वो पहले क्रिकेटर बन चुके हैं इस रूल को वॉयलेट करने वाले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। विच कंट्री हैज लॉन्च इज होप मिशन टू मार्स, यानी कि किस देश ने मंगल के लिए होप मिशन लॉन्च किया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है जापान, दूसरा है यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा है रशिया और आखिरी है चाइना। तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात का जो मेन मकसद है इसको लॉन्च करने का, वो है टू स्टडी डेली एंड सीजनल चेंजेस ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर। और ये पूरी तरह से अनमैन्ड मिशन है और इसको लॉन्च किया गया है जापान के टानेगाशिमा स्पेस सेंटर से। और लगभग 7 महीने की इसकी जर्नी है और ये मार्स ऑर्बिट में एंटर करेगा 2021 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। किस राज्य ने एससी के लिए नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना शुरू की है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर मैं आपको बता दूं इस योजना को लॉन्च किया है यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 17.42 करोड़। एंड दिस योजना कम्स अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। इनमें से कौन 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मारियाना वाडिनो यानिस एंड मोरिसाना कोयाते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तिजानी मोहम्मद बंदे, ऑप्शन बी वोल्कान बोजगीर, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटरस या फिर फिलिपो ग्रैंडी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तिजानी मोहम्मद बंदे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। द इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे, यानी कि आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है।
तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 21 जुलाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 जुलाई। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 10 की। किस राज्य ने अन्य राज्यों को बिजली निर्यात करने के लिए अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 पेश की है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।